हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सिंह और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मेमोरी मैनेजमेंट। दोस्तों, मेमोरी मैनेजमेंट में बताने के पहले आपको बता रहा हूँ कि मेमोरी क्या होता है। मेमोरी के बारे में आप सब मैक्सिमम लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं। मेमोरी में जहाँ हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो मैं मेमोरी मैनेजमेंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। टू टाइप्स का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है नॉन कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस में हमारा होता है फिक्स्ड पार्टीशन, उसके बाद वेरिएबल, फिर होता है फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड रोस्ट फिट एंड नेक्स्ट फिट। इसी तरह जिसमें इसमें चार होते हैं, वैसे ही आपका नॉन कंटिन्यूअस में पेजिंग होता है, मल्टी लेवल पेजिंग होता है, इन्वर्टेड पेजिंग होता है और सिगमेंटेशन होता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कंटिन्यूअस में कि फिक्स पार्टीशन कैसे देखा जाता है। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिक्स पार्टीशन कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो पहला क्या होता है कि ये इसका जो नंबर ऑफ पार्टीशन होता है वो फिक्स होता है, और साइज जो होता है साइज ऑफ पार्टीशन वो नॉट फिक्स होता है, ठीक है। मैं एग्जांपल से आपको अभी समझा दूंगा। वैसे ही वन ब्लॉक वन पार्टीशन, अगर इसका एक ब्लॉक होगा तो एक ही पार्टीशन होगा। और उसके बाद इंटरनल फिगामेंटेशन क्या होता है, यहाँ पे सॉरी मैंने आर लिख दिया है। इंटरनल फिगामेंटेशन क्या होता है आप ध्यान देना, ये पूछता है आपको कि क्या होता है। तो आप बोल सकते हैं कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी इनसाइड द पार्टीशन इंटरनल फिगामेंटेशन कहलाता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू में बताऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा व्हाट इज इंटरनल फिगामेंटेशन, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। देखिए, ये नंबर ऑफ आर्ट है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ एट, नंबर इक्वल टू एट, मतलब इसका जो साइज है वो फिक्स है। साइज क्या है, फिक्स है। जैसे यहाँ पे देखिए एट लिखा मैंने, नंबर डिफाइन किया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ पार्टीशन क्या होता है, फिक्स होता है। तो जितना भी नंबर ऑफ पार्टीशन होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। उसके बाद नंबर ऑफ साइज क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। जैसे इसमें 60 KB है, मतलब 60 KB है, 60 KB, 40 KB, यहाँ पे 120 KB, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 60 KB का ये है और हम 50 KB करते हैं तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 10 KB बच जाएगा, मतलब 10 KB बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो वेस्ट हो जाएगा कहीं, क्योंकि इसी ब्लॉक में हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और इसी को हम क्या करते हैं, कहते हैं इंटरनल फिगामेंटेशन, ठीक है। जैसे हमने 20 KB यहाँ पे लिया और यहाँ पे हमने 20 KB किया, तो ये 60 KB का था, तो कितना बचा, 40 KB। तो यहाँ पे 40 KB क्या हो गया, वेस्ट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो साइज होता है जो इसमें से बच जाता है उसी वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फिगामेंटेशन, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ कि वेरिएबल पार्टीशन टेक्निक क्या होता है। यहाँ पे मैंने बताया कि वाट एवर वेन एवर प्रोसेस ब्लॉक कम इन अकॉर्डिंग टू असाइन ब्लॉक एट द टाइम पार्टीशन विल बी मेड, ठीक है। वेन प्रोसेस फिनिश इट एग्जीक्यूट इट मूव आउट फ्रॉम द मेमोरी एंड फ्री पार्टीशन होल विल बी मेड। डिसीजन मेकिंग फॉर एकोमेंडेशन ऑफ पार्टीशन फिट एल्गो यूज। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि आपको कैसे, आपको बेस्ट फिट निकालना है, रोस्ट फिट कैसे निकालना है। मैं सबका एक्सप्लेन एक ही क्वेश्चन में आपको कर दूंगा। जैसा कि मैंने बताया है, मैंने आपसे बोला था कि फर्स्ट फिट के बारे में बताऊंगा, बेस्ट फिट के बारे में बताऊंगा, रोस्ट फिट के बारे में बताऊंगा। तो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हूँ मैंने कि जो फर्स्ट फिट निकालना है, पहले हम फर्स्ट फिट निकालेंगे।
तो 357210, उसके बाद 468491। अब पार्टीशन साइज क्या है, पार्टीशन दिया है 200, 400, 600, 500, 300, 250। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं एक ब्लॉक की तरह। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना दिया था यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसलिए हमने नंबर, ये क्या है नंबर, आप साइज क्या है, नंबर साइज क्या है, फिक्स है, कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या हो गया, पार्टीशन नंबर हो गया ना, क्योंकि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था मैंने आपसे कि क्या होता है नंबर, आप पार्टीशन क्या होता है, फिक्स होता है, और साइज आप पार्टीशन क्या होता है, नॉट फिक्स होता है। ठीक है ना, ये क्या है साइज आप, ये साइज आप है, और ये क्या है नंबर आप पार्टीशन, इसमें नहीं है। ठीक है, नंबर आप पार्टीशन इसी को देख के हम करेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो हमने 6 बना लिया। इसका नंबर आप साइज क्या है, 200 है, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता। इसका क्या है, 400 होता है, 600, 500, 300, 250। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि कौन सा किसके पास में है। जैसे यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे क्या है पहला 357, तो 200 के अंदर तो नहीं आएगा 357, इसलिए हमने किसके अंदर ले लिया, 400 के अंदर। ठीक है, 357, समझ में आ रहा है। उसी की तरह हम 600, अब आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे तो यहाँ पे 600 है साइज, अब आगे यहाँ पे कितना है 210, तो अब यहाँ पे नहीं जाएंगे, अब 200 में तो होगा ही नहीं, 600 में कर देंगे हम। ठीक है, क्योंकि सीरियल वाइज चलेंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 210। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 468 है, यहाँ पे कितना है 500, तो इसके अंदर आ जाएगा 468। तो और जो बचा क्या, यहाँ पे 357 हो गया, 210 हो गया, 468 हो गया, और 491 क्या हो गया, वेस्ट हो गया, क्या हो गया, किसी में नहीं जाएगा। ठीक है ना, वेस्ट हो गया, तो फर्स्ट फिट में इतना ही होगा। यहाँ पे मैंने बीट लिख दिया है, ये फर्स्ट फिट होगा, आप देखते हैं बेस्ट फिट क्या होता है। ठीक है ना, बेस्ट फिट में क्या देखेंगे कि जो नज़दीकी का है उसको हम लिखेंगे उसके अंदर। तो फिर हमने एक डायग्राम बनाया ऐसे ही, फिर हमने लिखा 200, 400, 600, 500, 300, 250। अब इसमें हम ये देखेंगे कि 35 कितना है, 7 है ना, 357 है, तो 357 किसके अंदर, किसके पास आएगा, ये 357 किसके पास आएगा, इसमें से किसके पास आएगा, 400 के पास, तो हमने क्या लिख दिया 357। फिर उसके बाद हमने देखा 600 के पास में क्या आ जाएगा, 491। ठीक है, क्योंकि यही सबसे बड़ा है इनमें से, तो 600 के पास ही आ गया। फिर 500 के पास देखेंगे क्या आ सकता है, 468 कर दिया। उसके बाद 250 हमने देखा, 250 के पास क्या आ सकता है, 210। अब इसमें से क्या आउट हो गया, ये वाला और ये वाला, तो इसमें से कितना हुआ, चारों आ गए, लेकिन इसमें हम, जैसा कि मैंने बोला था आपसे कि रोस्ट फिट में क्या देखेंगे, यहाँ पे मैंने बिट लिखा है, रोस्ट फिट में क्या देखेंगे हम कि जैसे यहाँ पे क्या है 357 है पहला, और यहाँ पे देखेंगे कि साइज किसका सबसे बड़ा है रोस्ट फिट में, तो ये जो पहला होगा वो किस में दे देंगे, रोस्ट फिट में देंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 600, और ये पहला वाला 357 क्या करेंगे, उसी में ले जाके हम पुट कर देंगे रोस्ट फिट में। उसके बाद हम देखेंगे उससे बड़ा क्या है, 600 के बाद क्या है, 500, क्योंकि सबसे बड़ा यही है 600 के बाद, तो अब क्या कर देंगे, दूसरा वाला 210 हम ला के यहाँ पे पुट कर देंगे। अब क्या है उसके बाद देखिए 468 है, 491 है, तो इसमें पुट होगा नहीं 468, इसमें भी 468 नहीं होगा, क्योंकि इनकी साइज कम है और नीचे भी साइज कम है, उसी तरह 491 भी पुट नहीं होगा, तो ये 468 और 491 क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, या एलोकेट हो जाता है ये सारी चीज़ें, और ये जो ब्लॉक बच गए ये तो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप क्या करेंगे कि ये जो आपका बेस्ट फिट होता है ये सबसे करेक्ट माना जाता है, और इसी को हम सही मानते हैं बेस्ट फिट। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। धन्यवाद।